देख सकते हैं क्या मिल चुका है। ये देखिए विलेज के अंदर कतई जहर वाला सीन। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए व्लॉग में। आज मैं जो है अभी जा रहा हूँ ठाकुर जो है मेरे मोहल्ले में होता है उसी वजह से खरीदने के लिए, जो कि सरस्वती पूजा है आप सभी लोगों को तो पता ही होगा। और मैं अभी दूसरा जो मेरे सामने गांव पड़ता है उसका नाम है मदनपुर, तो वहाँ पर मैं और मेरे सारे फ्रेंड लोग जो कि देख ही सकते पैदल हम लोग निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है लगभग अभी दोपहर के 2 बजने ही वाला है, तो इस टाइम पर हम लोग निकल चुके हैं। जाएंगे हम लोग दोमानी बाजार जहाँ से लेना है सरस्वती ठाकुर वगैरह देख कर लेना है। तो फिलहाल मैं जो है जाऊँगा मेरे फ्रेंड लोगों के साथ, तो व्लॉग पर बने रहिए। चलिए आज के इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। देख ही सकते हैं मौसम का हालत, और साथ ही इस रास्ते पे हम लोग जो है जा रहे हैं क्योंकि गांव का रास्ता है, तो रास्ते में जाने के बाद देख सकते हैं क्या मिल चुका है। इधर देखिए क्या है, छोटा पक्षी तो क्या किया जाए। अभी फिलहाल हम लोग जाते हैं इधर से, ठीक है। ये दोस्त लोग वगैरह जा रहे हैं इधर, इस तरफ पावर प्लांट है जो कि गाँव के इस तरफ मेरा गाँव है, इधर से लगभग पास है और शॉर्टकट है, गाँव का रास्ता है इस तरफ भी, और एक गांव है जिसका नाम मदनपुर। तो चलते हैं अभी फिलहाल और जाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दोमानी बाजार जहाँ से हम लोगों को ठाकुर लेना है, और सभी लोग हम लोग मिलकर जो है पैदल से आए थे, इसीलिए ये जो है पानी वानी पी रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए पैदल से आने के बाद। तो अभी फिलहाल जाते हैं इस तरफ जो कि लेना है, ठीक है, इस तरफ जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा ठाकुर है। इस तरफ से हम लोग आए थे और ये रहा जहाँ पर लेना है, ठाकुर वगैरह रखा हुआ है। भीड़ देख सकते हैं किस प्रकार से है, तो अभी अंदर जाने का पूरी कोशिश करूंगा मैं और आप लोगों को दिखाने का। अंदर जो है हम लोगों को घुसने नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग जो स्लिप रहता है वो हम लोग नहीं लाए, और भी आ रहा है हमारे जो अंकल वगैरह है, तो आने के बाद फिलहाल के अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। गाइस ये आ चुका है देख सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर वंबर दिया हुआ है। यहाँ पर जो है लग चुका है, हमारा रेडी हो चुका है, जो भी हमारा गैंग का सब लोग हैं तो यहाँ पर रेडी, और हम लोग चढ़ जाते हैं और घर की ओर निकलते हैं। गाइस हम लोग इतना पैदल आए हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा भूख लगा है, खा लेते हैं। अभी फिलहाल जा रहे हैं इस तरफ, पता नहीं दोस्त लोग क्या खिलाने वाला है, तो फिलहाल जाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या खाते हैं।
ये पहुंच चुका हूँ दुकान, तो अभी देखते हैं क्या खाते हैं भाई। तो मिठाई तो खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर, तो अभी घर की ओर चलते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइज इस वीडियो क्लिप को मैं दो दिन के बाद शूट कर रहा हूँ और अभी आपको जो है सुनाई दे रहा होगा बॉक्स का साउंड, क्योंकि डीजे रेडी हो चुका है और मेरा गला भी थोड़ा सा बैठ चुका है क्योंकि मेरे को ठंड लग चुका है, बहुत जो है ज़्यादा ठंड लगा है। फर्स्ट टाइम मेरे को इतना ज़्यादा ठंड लगा है। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, सरस्वती माँ का विसर्जन है आज, यानी आज लगभग 3 दिन हो चुका है, ठीक है, आज 3 दिन के बाद विसर्जन है, तो आप व्लॉग को देखते रहिए। तो चलिए अभी चलते हैं, डीजे वगैरह सब कुछ है उधर, तो बाहर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये चल रहा है डीजे का काम, सेट करने का, थोड़ी देर आगे सजाने के काम था और इस टाइम पर कंप्लीट हो चुका है जैसे कि देख ही सकते हैं, और विलेज में कुछ इस तरीके का ही होता है। विलेज ब्लॉगर रियल राणा टेक वाले गाइस, यहाँ पर टीम में अभी बहुत ज्यादा जो है बातचीत चल रहा है, ये डीजे थम चुका है पूरा एकदम। तो गाइज ये ग्राउंड के अंदर अभी जो है लगभग टाइम हो रहा है दोपहर का 4:15 और इस टाइम पर डीजे हो चुका है खराब, इस रास्ते पर जा रहा है विसर्जन करने। इस तरफ जो है तालाब है और ये विसर्जन करने के लिए जा रहा है जैसा कि देख ही सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं इस तरफ, ये आ चुका हूँ तालाब जैसा कि देख ही सकते हैं। पहले जो इस तरफ विसर्जन होता था, अभी इस तरफ जा रहा है जो कि थोड़ी देर आगे है। क्या प्लानिंग चल रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इस साल कुछ अलग, क्या बताऊं, गला भी बैठ चुका है मेरा। ये
ये देखिए गमछा वमछा वगैरह ले लिया आप, विसर्जन करोगे ना? मूड पूरा खराब है सब लोग, मूड ये देखिए विलेज के अंदर कतई जहर वाला सीन। ये अंकल नियम बता रहा है सभी को। आवार हो गए कंप्लीट। लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।